जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। और आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना होता है, और जो भी कमेंट में उत्तर बताते हैं उनके पूरे के पूरे मैं कमेंट जो है नेक्स्ट वीडियो में शामिल करता हूँ। तो आप जरूर प्रश्न का उत्तर बताएं अगर आपसे बनता है तो। और साथियों आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आपको शाम को साढ़े छः बजे आपको करेंट अफेयर्स और जीके से संबंधित जो है क्लास मिलती है। रात्रि 9 बजे आपको क्लास मिलती है हिंदी साहित्य की, ठीक है, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं, साथ ही जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बताते भी हैं। और रात्रि 11:30 बजे जो है और 12 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाता है, तो ये ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही बेल आइकन को दबाना है। कुछ साथियों की शिकायत आती है कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें जहाँ पर आपको PDF मिलेगी, ठीक है, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और व्हाट्सअप जो नंबर है ये मेरा है, इस पे आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा। तो जल्दी से आपको बताना है, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया प्रक्षेपण जो केंद्र स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा। तो वो किया जाएगा केरल में, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। इसरो ने हाल ही में जो है निर्णय लिया कि छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में, याद रख लेना है। इसरो की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन साहब हैं, और उन्हें 2019 का अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिला है, के सिवान साहब को, तो याद रख लेना है। और 2019 में जो सबसे चर्चित मिशन रहा, जो 22 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च किया गया था, वो अब चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है, जिसकी लगभग जो अनुमानित लागत बताई जाती है वो 600 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको इसरो के बारे में याद रखनी है। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन द्वारा इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया गया, किसे, CAA के विरोध में सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने जो है इसका प्रस्ताव पास किया है CAA का विरोध का। और केरल के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो RF मोहम्मद खान हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है केरल के बारे में, ठीक है। और केरल के बारे में मैं और चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों कि केरल में एक सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर जो कि राष्ट्रीय पेरियार अभ्यारण में है, पेरियार अभ्यारण में है। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा पेरियार अभ्यारण कहाँ है, तो केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो ये केरल में है, और साथ ही ये पेरियार अभ्यारण में स्थित है। और इसमें क्या हो गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया था, उसके बाद जो याचिकाएँ थी वो लगाई ट्रस्ट ने, और भी जो लोग हैं उनने याचिकाएं लगाई, तो उस याचिकाओं के पुनर्विचार के लिए एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर विचार करेगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में याद करना है। और केरल और तमिलनाडु के बारे में जो है मुल्ला पेरियार बांध के बारे में हमेशा विवाद चलता है, जिसको निपटाने के लिए एक समिति भी बनाई गई है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन पर्व लाई हरा ओबा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये अगरतला में किया गया, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। लाई हरा ओबा का शुभारंभ अगरतला में किया गया है। प्राचीन पर्व लाई हरा ओबा का शुभारंभ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया, आपको याद रख लेना है। यह पर्व मणिपुर मेती समुदायों द्वारा मनाया जाता है, जो 5 दिन चलता है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के वो हैं बिप्लव कुमार देव, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और जो लाई हरा ओबा जो त्यौहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, अगरतला में मनाया जा रहा है, शुभारंभ इसका किया गया है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान मंत्रालय ने कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है। तो आपको बताना है,
स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है कितने वैज्ञानिकों को, तो 14 वैज्ञानिकों को विज्ञान मंत्रालय ने की है। तो आपको याद रख लेना है, विज्ञान मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की है। फेलोशिप में अनुसंधान के लिए जरूरी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रतिमाह 25,000 रुपये राशि दी जानी शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं वो हैं कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो याद रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है लेह लद्दाख में, ठीक है, यानी जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों लद्दाख जो है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का शुभारंभ किया गया है और यह टूर्नामेंट 7 जनवरी तक लेह के करजू आइस हॉकी रिंग में जारी रहेगा। वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन के जो ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो हैं एल कुमार, तो याद रख लेना है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एल कुमार जी हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में युद्ध में बच्चों पर कितने गुना ज़्यादा हमला हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ की बात आती है तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और जो है इस यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में युद्ध में बच्चों पर कितने जो है गुना ज़्यादा हमले हुए हैं, तो 3 गुना ज़्यादा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। यूनिसेफ के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में युद्ध में 3 गुना ज़्यादा हमले हुए हैं। इस अवधि के दौरान बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन के 1,70,000 से भी ज़्यादा मामलों को प्रमाणित किया गया है। इन मामलों में यौन हिंसा, अपहरण, मानवतावादी सहायता से दूर रखना, हत्या आदि, ये सभी शामिल हैं। तो 3 गुना जो है हमले हुए हैं बच्चों पर, तो याद रख लेना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शहर की मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ट्रेन के अंदर मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की है, तो किसने की है, वो की है दिल्ली मेट्रो ने, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ट्रेन के अंदर मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की है। यह सुविधा भारत के एशियाई क्षेत्र के किसी देश में शुरू की गई पहली सुविधा है। तो सभी को याद रख लेना है कि दिल्ली मेट्रो ने जो है एयर एक्सप्रेस लाइन ट्रेन के अंदर वाईफाई मुफ्त सेवा शुरू की है। दिल्ली मेट्रो की 22.7 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 6 मेट्रो स्टेशन हैं, तो सभी को ये चीज़ याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2020 तैयार करते हुए खिलाड़ियों को वेतन, पेंशन और 3 नए अवार्ड देने की घोषणा की है, तो वो हिमाचल सरकार ने, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। हिमाचल सरकार ने हाल ही में क्या किया है कि नई खेल नीति 2020 तैयार की है और इस नीति के तहत उन्होंने वेतन, पेंशन और 3 नए अवार्ड देने की घोषणा की है खिलाड़ियों को, ठीक है। और आपको याद रख लेना है, नई खेल नीति 2020 के तहत ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ पदक विजेता को पेंशन भी दी जाएगी, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, BCCI ने किसकी सहायता के लिए मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की है। जी हाँ, BCCI का यहाँ पर नाम आया है, तो आपको BCCI के अध्यक्ष पता होंगे, साथ ही सेक्रेटरी भी पता होंगे। और इन्होंने क्या किया है, पूछा गया किसकी सहायता के लिए मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर होगा NCA इसका सही हो जाएगा, ठीक है। NCA की सहायता के लिए BCCI ने मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की है। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, ठीक है, और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जयशाह हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। NCA का पूरा फुल फॉर्म है साहब, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, आपको याद रख लेना है। और BCCI ने हाल ही में नेशनल क्रिकेट एकेडमी की सहायता के लिए मेडिकल पैनल की घोषणा की है, सभी को याद रखना है, जिसके लिए लंदन स्थित निजी क्लिनिक की सलाह ली जाएगी। हाल ही में भारत के खिलाड़ी रिद्धिमान शाह और भुवनेश्वर कुमार की चोट का समय पर पता नहीं चलने के कारण NCA की आलोचना हुई थी, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है कि BCCI ने किसकी सहायता के लिए मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की है, तो NCA की, ये चीज़ याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड हाल ही में किसने जीता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है संजय गुप्ता, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संजय गुप्ता ने जो है ये लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल
जर्नलिज्म अवार्ड जीता है। लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नल अवार्ड की स्थापना पुणे बेस्ड केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। इस प्रकार पुरस्कार केसरी समाचार पत्र की स्थापना के समारोह में प्रदान किया जाएगा। केसरी समाचार पत्र की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक द्वारा की गई थी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रख लेनी है। फिलहाल संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपकी लाइव क्लास होती है करंट अफेयर्स की शाम को 6:30 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है, और रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और सेल्फ स्टडी क्लासेस की लाइव क्लासों से जरूर जुड़ना है। भारत सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको पता होने चाहिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने जो है फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। याद रखना है भारत सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने प्लेटफॉर्म कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं, है ना, फ्लिपकार्ट के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो किसे किया है, वो किया है दोस्तों IAS डॉक्टर कृतिका शुक्ला को, IPSM दीपिका को। तो ये दोनों जो है उत्तर विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, है ना। अधिनियम 2019 लागू करने के लिए इन्हें विशेष रूप से नियुक्त किया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की जब बात आती है तो जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वाभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और एक मुख्य जो है यहाँ का प्रश्न कि जो है रेपिस्ट मामलों में दिशा बिल जो है को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जिसके तहत रेपिस्ट को 21 दिन में जो है फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है 2019 अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में IAS डॉक्टर कृतिका शुक्ला और IPSM दीपिका दोनों को नियुक्त किया है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है CEA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है दोस्तों केरल, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो आपको याद रख लेना है। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया गया और केरल के वर्तमान राज्यपाल आरएफ मोहम्मद खान है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी विधानसभा में, ठीक है। और केरल के वर्तमान राज्यपाल आरएफ मोहम्मद हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये चीज़ और कुछ है दोस्तों, ये छोड़ दो आप, है ना। तो केरल के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो आरएफ मोहम्मद खान है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी बारी, आपको एक प्रश्न का उत्तर मैं जो हर रोज देता हूं कि आपको एक प्रश्न का उत्तर बताना है। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न में से क्या नाम रखा है, तो आप सभी को बताना है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल दिया है इंडियन रेलवे ने, और क्या नाम रखा है ये सभी लोग कमेंट में बताएंगे, और आपके कमेंट जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो विस्तृत रूप से लिखते हैं, तो उनको मैं विशेष रूप से शामिल करता हूँ, और अच्छा लगता है जब ऐसे लिखते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, साथ ही दूसरों का ज्ञान भी जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जब ज़्यादा जो भी लिखते हैं जिसके बारे में, तो वो ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। तो आप भी अच्छे से विस्तृत रूप से लिखने का प्रयास करें, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, फेसबुक पेज से जुड़ना है IAS स्टडी ट्रैक, और जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, सर्च करना है IAS। बहुत सारे लोग जुड़े हैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से, तो आपको भी जुड़ना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाओ। और मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में शाम को 6:30 बजे करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो है लाइव वीडियो आपको प्रेषित किया जाता है। रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य का वीडियो प्रेषित किया जाता है, तो वो जरूर देखें दोस्तों, उस वीडियो का हिस्सा आप जरूर बने। तो आइए देखते हैं पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण कमेंट, देखते हैं कमेंट जो किए हैं ज्योति शर्मा जी ने। इन्होंने लिखा है नाइस वीडियो, थैंक्स सर। इन्होंने पाकिस्तान के साथ बताया है, उत्तर सही बताया है।
ऋगराज जी ने और आशीष जी ने भी सही बताया, वेरी गुड, सालू खत्री जी ने भी सही बताया, बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, और भी वीडियो के कमेंट देखते हैं। अमन जी ने बांग्लादेश बताया, अमन जी बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान सही है। तो अगला जो कमेंट है वो चंदन विश्वकर्मा जी का है, बहुत बढ़िया विश्वकर्मा जी, बहुत सुपर लिखते हैं। एक राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है पाकिस्तान के, और सौम्या कुमारी जी इन्होंने भी सी सही बताया है। अमरेंद्र जी विस्तृत रूप से हमेशा लिखते हैं, थैंक यू अमरेंद्र जी। मोहम्मद सलीम खान जी बहुत बढ़िया, हमेशा सही लिखते हैं। नरेश कुमार जी थैंक यू, आपको आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है ना। और जल्दी जल्दी से इन्होंने बताया है, और बताया है रईस भाई जी, इन्होंने भी लिखा है, और उदय कुमार पाल जी बहुत बढ़िया, और जय सिंह एग्जाम इन्होंने भी बहुत विस्तृत रूप से हमेशा लिखते हैं। नरेंद्र सिंह जी इन्होंने भी सही उत्तर बताया है। एम के बगारिया जी इन्होंने भी सही उत्तर बताया, बहुत बढ़िया। अरविंद वर्मा जी नाइस, वेरी गुड। यशपाल जी बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने विस्तृत रूप से, धन्यवाद यशपाल जी। मनोज कुमार जी इन्होंने भी उत्तर सही बताया है। चंद्रशेखर जी ने भी सही बताया है। आरती त्रिवेदी जी ने भी सही बताया है, वेरी गुड आरती जी। और एम के वर्मा जी हमेशा कमेंट लिखते हैं, सही बताते हैं। चंद्रशेखर जी इन्होंने भी विस्तृत बताने का प्रयास किया है। तो चंद्रशेखर जी, एम के वर्मा जी, और साथ ही यशपाल जी, और जय सिंह एग्जाम जी, उदय जी, उदय जी भी लिखते हैं। नरेश कुमार जी इन्होंने क्या लिखा है, सर बताओ पिछले क्वेश्चन की बुक मिल जाएगी क्या प्लीज़ सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो ये क्वेश्चन करवाते हैं। कौन से आप सब्जेक्ट बताएं, बहुत सारे वीडियो चलते हैं तो बता देना। और चंदन जी सभी को पुनः एक बार धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।